अभी दो जगह से हम हो चुके हैं, तीसरी हमारी जगह है। तो मुदस्सर भाई कैसा लग रहा है आपको आज आप हमारे व्लॉग में आए हुए? मुदस्सर भाई टोटली स्टॉप साइलेंस। और अकदस भाई तो यानी जो हमसे नहीं खाया जा रहा वो हम अकदस भाई को खिला रहे हैं। अकदस भाई के टमी बड़ी टाइट है तो अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ की भी अगर हमसे नहीं खाई जाएगी तो अकदस भाई खाएंगे फिर वो, तो फिर अकदस भाई जो खाएंगे अकदस भाई फिर सब खा जाते हैं। क्यों अकदस भाई सही है ना ये? बिल्कुल सही। मेरे पीछे शामी बर्गर बन रहे हैं, तो अगर आप लोगों की ख्वाहिश है शामी बर्गर का व्लॉग देखने की भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो आपके लिए लेकर आएंगे हम शामी बर्गर का भी व्लॉग। भाई कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं देखें ज़रा। ओहो आहा ज़बरदस्त, मिलते हैं आपसे दोबारा अभी थोड़ी देर में। पटाटो हाउस पे इस वक्त हम खड़े में हैं और सब पैसे जो है ना वो सफाई के भी टेस्ट के भी, और बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं अंकल। और ये 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ में भी अवेलेबल है, मेन 11B में मौजूद है पटाटो हाउस के नाम से, तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत अच्छी चीज फ्रेंच फ्राइज है, और रेटिंग जो है वो इसकी हम आपको बाद में देंगे कि 10 out of 15 है सबका मिक्सअप करके। तो अब बात करते हैं हम थोड़ी सी यहाँ के ऑनर से, तो ऑनर से बात करते हैं तो चलते हैं पटाटो हाउस के ऑनर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? जी राशिद नाम है। तो राशिद भाई ने यहाँ पे क्वालिटी को इतने अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि आप अगर आएंगे तो आपको देख के और अच्छा लगेगा और आपका लेने का दिल करेगा। तो राशिद भाई कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई चीज़ आप मिलाते हैं अपने प्राइस के अंदर, मसाले वगैरह? नहीं है, मसाले है और फ्लेवर चल रहे हैं जो आजकल। तो ये जो क्वालिटी गार्लिक फ्लेवर है, क्वालिटी जो आप मेंटेन करके आपने रखी हुई है, तो इसके पीछे क्या बात है? आलू अच्छी क्वालिटी के उठा रहे हैं हम। सही। और पूरी मेहनत होती है कि धो के छीलना पड़ता है, फिर उसके छिलाई के बाद फिर धुलता है आलू। सही। फिर उसको रखते हैं। सही। पानी तो से पक करके रखा जाता है पूरा। तो ये मेन 11B में मौजूद है, तो अगर आपको यहाँ पर विज़िट करना हो तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि प्राइस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखा हुआ है। तो अब आपसे मिलते हैं किसी और वेन्यू पर, तो जब तक के लिए सी यू। तो फाइनली हम अपनी पहली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। पहली लोकेशन है हमारी लकी फ्रेंच फ्राइज जो कि मदिया स्टॉप पर मौजूद है। तो अभी हम आपको यहाँ के कुछ सीन दिखाते हैं। ये हमारे भाई हैं, ये इस शॉप के ऑनर हैं, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे कैसी चिप्स मिलेगी आपको फ्रेंच फ्राइज। तो लेट्स सी। मौजूद है लकी फ्रेंच फ्राइज के ऑनर के साथ, तो इनसे हम कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर ये माशाल्लाह से अभी आपको एक यूनिक रेसिपी इसके अंदर हमने देखी है, येलो सॉस जो आप डाल दें इसके अंदर, तो इसका ख्याल कैसे आया, कहां से आया ये लकी पिज़्ज़ा फ्राइज गुज़्ता? तो 14-15 साल से आपको इलाके के अंदर फ्राइज अंजाम दे रहे हैं और आपको अच्छे से अच्छी रेसिपी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है जी। तो ये येलो माइनस और सॉस के बारे में पूछने तो ये हर शॉप का एक टॉप सीक्रेट होता है। हाँ। तो ये बताया नहीं जाता स्क्रीन के ऊपर। अच्छा। ये कि आगे जो आए अगर आप प्रेजेंट करते हैं उसको हम VIP तरीके से। तो बेसिकली ये शॉप जो है मेन मध्य स्टॉप पे मौजूद है लकी फ्रेंच फ्राइज के नाम से, तो यहाँ का जो सॉस वगैरह है काफ़ी यूनिक है, और यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा फ्राइज भी मिलेगी। अभी तो हमने आपको नॉर्मल फ्राइज के शॉर्ट्स दिखाए, मगर यहाँ पे पिज़्ज़ा फ्राइज भी है, अलग अलग वैरायटी की फ्राइज आपको मिलेंगी। तो चक्कर ज़रूर लगाइएगा और भाई के पास भी ज़रूर आएगा, वसीम भाई इनका नाम है। तो अब आपसे मिलते हैं किसी और शॉप पे किसी और रिव्यू के साथ, तो जब तक के लिए सी यू सून वंस अगेन। थैंक यू।
तो भाई फ्राइज खा खा के तो थक गए थे, तो हम इन भाई के पास आए लिमका वाले के पास, तो इनसे हमने बनवाए लिमका। अब हम इनके लिमका टेस्ट कर रहे हैं। तो लिमका कहाँ है मेरा भाई, मैंने पालसा बनवाया है, ये बनवाया मैंने पालसा, तो अब लिमका टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा है भाई लिमका भी है। तो खैर हमने प्राइस का यहाँ पे पार्ट वन एंड करते हैं, और जो जो शॉप्स हम रह गई हैं हमारी, तो आप उसके लिए हमें बताएं, पार्ट टू के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्लॉग पसंद आया तो भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे दोबारा किसी और ब्लॉग में, किसी और न्यू वीडियो में। जब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। बिलाल अहमद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगेबान। सी अमान। सी यू सून।